चटपटी खबर। ये दोस्ती ना जी हम नहीं तोड़ेंगे। ओ जी एक गाना ना जी गर्व पंजाब डेडिकेट करदा जी आ अपने देश ते रशिया दी दोस्ती नू। हां जी हुन ना जी रशिया ते भारत दी फ्रेंडशिप ना जी होर पक्की होगी ते कई दुश्मनों दी बत्ती गुल होगी, क्योंकि ना जी रशिया ते साडे इंडिया ने मिलके ना जी कई तरह दे काढ़े तैयार करने आ। इस दोस्ती दा चर्चा तां उस दिन तो होर वध गया सीगा जी जदों पहला SEO दा मैंबर भारत बनिया सी। ओ जी मोटा भाई ने ना भी अपने दोस्त दा थैंक यू कीता, पर काके दे पापा जी कहंदे हुंदे सी यार काके इन दोस्ती नो थैंक यू नो सॉरी ठोक गट्टी विच मोरी। राष्ट्रपति जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि मेरा और मेरी टीम का बहुत ही गर्मजोशी से आपने स्वागत किया सम्मान किया, और 2009 में आपने जिस यात्रा का प्रारंभ किया था उपरी साथ 2015 में फिर से एक बार आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, मेरी दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है ये। वैसे तो आप अलग अलग जगह पे कार्यक्रम करने का बड़ी अच्छी आपकी सोच रहती है, तो हो सकता है कि हमारी एनुअल समिट ये अष्टाखंड में कर लें। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जब आपके पास है उसी समय SCO में भारत को सदस्यता मिल रही है, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आपने मुझे टेलीफोन कर करके विशेष रूप से SCO के लिए कहा था, इसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जी कान खोल के सुन लो जी, रशिया नाल ना जी अपनी यारी पुरानी आ, असी अपने स्कूल दे सिलेबस च भी पढ़ी आ कहानियां। हां जी लेकिन साडे मोटा बाई ने ना ऐसा जलवा योग दा दिखाया सी ते साडे प्रधानमंत्री दे कहन ते ना जी रूस ने भी योगा डे मनाया सी। उसे दोस्ती दा जशन अज दो दोस्त मना रहे ने, ताई भारत ते रूस शिखर सम्मेलन अज यानी 15 अक्टूबर 2016 नू गोवा विच करवा रहे ने। लो पहला तुहानू ना योगा डे दे धन्नवाद दी गल सुनावां। मैं कहा चाचा जी पुत्र नू हिंदी किद्दां समझावां। योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को आपने जो को-स्पॉन्सर तो बने, लेकिन पूरे रशिया ने जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योगा डे को मनाया, और मैं मानता हूँ कि शायद इतनी बड़ी मात्रा में इतने सभी शहरों में सभी टाइम जोन में सभी स्टेट्स में जिस उमंग और उत्साह के साथ योगा डे मनाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और इसके कारण पूरे विश्व में एक नई जनरेशन को जो होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जो झुकाव है उसके लिए एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ना जी अपना वादा निभाता जी, कुछ दिन पहला शौर्य स्मारक की जिहड़ी गल कही सीगी ना जी वह बनवा के साडे शहीदां दा माण वधाता जी। ओ जी ये जगह ना साडे शहीदां दी कुरबानी दे बारे बच्चियां ते वड्डियां नूं समझाएगी किद्दां साडे फौजी वीर बार्डर ते करदे आ रखिया, ये सब कुछ ना जी तस्वीरां अते बुत्तां राही समझाऊगी। शिवराज ने पहला भी दस्या सी, लेकिन काका ना जी तुहानूं दोबारा अंकल जी दी गल सुना रहा, क्यों बनाया ये स्मारक अंकल साडा ये भी समझा रहा। हाँ जी ये विचार आया था कि हमारे ऐसे सैनिकों की स्मृति में एक सॉरी स्मारक, क्योंकि बार मेमोरियल पहले बने सेकेंड वर्ल्ड वार और बाकी दूसरे जो युद्ध हुए थे उनके चित्रण के दिखते थे, लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया है उनकी स्मृति में ऐसे स्मारक नहीं थे, इसलिए बार मेमोरियल को युद्ध स्मारक हमने नहीं कहा, हमने सोचा सॉरी स्मारक, जो उनकी वीरता की गाथा हमारे सामने रखता है। सॉरी स्मारक मध्य प्रदेश में हम बनाएंगे भोपाल में, और मुझे खुशी है सॉरी स्मारक अब बन के तैयार है। ओ जी गर्व पंजाब ना जी अपने देश दे इस शौर्य स्मारक नु सल्यूट करदा है जी, ओ भी काके यानी मी दे नाल। ओ जी बंदे ने अपना प्रॉमिस निभाता ते शौर्य स्मारक दा उद्घाटन प्रधानमंत्री तो ही करवाता, रक्षा मंत्री भी नाल सी,
ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਵੇ ਜਾਨ, ਉਹਦਾ ਅਮਰ ਜੱਗ 'ਚ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੌਰਯ ਸਮਾਰਕ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਆਪੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਖਾਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਛਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਲੋ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨੀ ਠੁੱਕ ਸਕਦਾ ਕਿਲ, ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਗੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਹਿਲ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕੇ ਸੈਣਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਨਾ ਕਾ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਉਸਕਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਮਨ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਨੋਬਲ ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਸਤਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ, 125 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਏਕ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਨਕੇ ਪੀਛੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣੇ ਸੇ ਆਤੀ। ਓ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜੀ ਕਾਕੇ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੜਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੜਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਟਪਟੀ ਚਾਟ ਸੀ ਫਰੋਮ ਭੋਪਾਲ, ਅਤੇ ਲਓ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਨੇਪਾਲ। ਉਹ ਜੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਕਸ਼ਕ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਕਸ਼ਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ चारों तरफ घोर अंधकार में लोग खड़े हुए हैं, इस अंधकार को दूर करने के लिए हम लोग बच्चे को तैयार करके और राष्ट्र की उन्नति शारीरिक उन्नति भोजन की उन्नति के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और इस कार्य के लिए हम लोग लगे हुए हैं। चटपटी खबर।